Hello everyone, welcome back to Geometry Point. This is Alok Pandey and this is I hope 7th lecture. I hope so. So इस lecture में हम देखने वाले हैं procedure क्या होता है, function क्या होता है and starting procedure से करेंगे, छोटे program से करेंगे, फिर हम धीरे-धीरे बढ़े जाएंगे. हम procedure के अंदर किसी और function को call करना, function का किस तरह से use करते हैं, क्या difference है, वो सारी चीजों के बारे में हम discuss करेंगे. First of all, अभी तो हमें बात करना है simple procedure के बारे में कि procedure होता क्या है. एंड यहाँ पे जैसे मेरे क्वेश्चन जो मैंने लिस्ट बनाया है, एक्चुअली BCCS का सिलेबस है, तो उसमें कुछ डिस्क्राइब द पिलर स्कूल ब्लॉक, सिंटैक्स गाइडलाइंस, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हम लोग कमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है डिप्लॉयमेंट ऑफ एसक्यूएल फंक्शन इन PLSQL नेस्टेड ब्लॉक्स, आइडेंटिफाई द ऑपरेटर्स इन PLSQL. ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. तो फंक्शन से पहले मैं प्रोसीजर बताऊंगा क्योंकि दोनों नियर अबाउट सेम है, नॉट कम्प्लीटली. एंड तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सिंपल, मैं पहले का कोड सब रिमूव कर देता हूँ यहाँ से. एंड ये रहा, ये सब पहले का निकाल दिया मैंने. अब हमें देखना क्या है कि सिंपली बिगिन ब्लॉक, एंड ब्लॉक, डिक्लेयर सेक्शन, एक्सेप्शन सेक्शन, चार हमारे टोटल चार हमारे कीवर्ड्स हैं जिसके बेस पे हमारे पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं. समटाइम्स हम एक के अंदर दूसरे भी बना सकते हैं, मतलब एक बिगिन के अंदर दूसरा बिगिन हो सकता है, हायरार्किकल बना सकते हैं, जो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बोला जाता है. एंड आप बताओ, जब आप जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो लाइक सी एंड सी प्लस के अंदर, तो आप ऐसे फंक्शन बनाते हो जिसको आप बाद में यूज करते हो, एक ऐसा ब्लॉक बना देते हो जिसके अंदर आप बना के रख लेते हो, बाद में उसे यूज कर पाते हो. जैसे आपने स्कैनर यूज किया है जावा के अंदर, सब लोगों ने आई होप सो यूज किया होगा. उसके अंदर नेक्स्ट वेल, नेक्स्ट इंट करके एक फंक्शन होता था. वो नेक्स्ट इंट फंक्शन क्या मैंने बनाया है? नहीं, मैं सिर्फ उसको कॉल कर रहा हूँ, उसको बुला रहा हूँ, आप आइए मेरा ये काम करके जाइए, राइट. तो उसे बनाने वाला कौन था? जिसने JDK मतलब पूरा का पूरा सेटअप बनाया है JDK का, वो बनाया, मतलब ओरेकल वालों ने बनाया, राइट. सो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, इवन वहां पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है कि आप अपने खुद के भी फंक्शन बना सकते हो, उसे जहां चाहे वहां कॉल करके यूज कर सकते हो, राइट. मैं चाहूँ तो ऐड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, जो चाहे वो बना सकता हूँ, राइट. तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप बना सकते हो. यहाँ पे आप प्रोसीजर एंड फंक्शन दो ऑप्शन होते हैं. अगर आप प्रोसीजर यूज कर रहे हो तो आपको रिटर्न करना ऑप्शनल केस है, एंड अगर फंक्शन यूज करो तो आपको रिटर्न करना कंपल्सरी है, ठीक है. तो प्रोसीजर बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले सो यहाँ पे सिंपली लिखना होता है लाइक क्रिएट प्रोसीजर. अब ये है क्या, ये हम रियूजेबल कर, रियूजेबल ब्लॉक बना रहे हैं हम. सिर्फ प्रोसीजर का मतलब क्या, सिंपली हम रियूजेबल ब्लॉक बना रहे हैं. हम एक ब्लॉक ऐसा बना रहे जिसके अंदर कुछ कोडिंग रहेगी, उसको हम जहां जाए तहां वो यूज करेंगे. तो बनाने का तरीका ये है, क्रिएट और रिप्लेस. क्रिएट सिंपली अगर नहीं होगा तो क्रिएट करेगा, अगर होगा तो उसके जगह पे रिप्लेस कर देगा. मतलब ये मैं जिस नाम से प्रोसीजर बनाने वाला हूँ, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन का प्रोसीजर का नाम, इससे अच्छा मैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा वो ब्लॉक उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और उसी को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, तो मुझे लिखने का टाइम बच जाएगा, राइट. और ये हमारे पास पड़ा है, लिखने से बेटर है कि मैं पेस्ट कर देता हूँ, बहुत सिंपल आएगा, सिंपल चीज है, आपको समझ में आएगा बहुत ईजिली. सो ये रहा, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर कीवर्ड पास करना है आपको, फिर उस प्रोसीजर का नाम देना है. अब वो स्टार्टिंग का जो डिक्लेरेशन, मैं जैसे जैसे बोला कि अगर हमारा जनरली PLSQL का ब्लॉक क्या है, बिगिन एंड वगैरह है, राइट. तो सेम चीज यहाँ पे भी, इस प्रोसीजर का एक बॉडी है, एक डिक्लेरेशन पार्ट है. अब यहाँ पे जो हम इज से स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये जो पार्ट होगा ये हमारा बोला जाएगा डिक्लेरेशन पार्ट, बिगिन के पहले तक का, ठीक है. वो सिर्फ फंक्शन के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है बना के यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ पे होगा, इस एंड के पहले और इस बिगिन के बाद, ठीक है. सो हमने क्या किया, सिंपली EMP22 नाम का एक प्रोसीजर बनाया, एंड उसको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है EMP_name, राइट. एंड उसका साइज दिया है मैंने 20. एंड दूसरा बिगिन ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट किया, बिगिन मतलब हमारा इस प्रोसीजर का बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट. सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम इंटू EMP_name. अब ये वाली लाइन खाली आपको थोड़ा ध्यान से देखनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो हमारा एम्प्लॉई नाम का टेबल है ऑलरेडी, चलो एक बार देख लेते हैं कौन सा है, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो गए. तो मैं सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय राइट, सेमीकोलन शिफ्ट होम कंट्रोल एंटर किया मैंने, और ये रहा हमारा आउटपुट. ये देखो ये सारे हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसके अंदर मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी भर के रखा है, ठीक है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस टेबल में से कोई एक डेटा मैं उठा रहा हूँ और अपने इस प्रोसीजर के अंदर शो कर रहा हूँ, ठीक है. तो अब देखो यही है हमारा SQL वाली चीजों को उठा के मैं PLSQL के अंदर दिखा रहा हूँ. इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, एक्चुअली ये हमारा पूरा का पूरा SQL इंजन जो है एंड PLSQL इंजन, दो के दोनों एक साथ काम करने वाले हैं, ठीक है. तो चलो देखते हैं कैसे.
सिलेक्ट एम्प्लॉई नेम, हम क्या बोल रहे हैं एम्प्लॉई का जो टेबल है उसमें से सिलेक्ट क्या करो एम्प्लॉई नेम और उसे डाल दो किसके अंदर ईएमपी नेम के अंदर इनटू इनटू कीवर्ड क्या करने वाला है इस वेरिएबल के अंदर इस कॉलम के अंदर जो भी डेटा रहेगा पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे जो कि हमने दिया है 31 का जो भी नेम रहेगा मतलब जिस एम्प्लॉई का आईडी 31 रहेगा उसका नेम उठाएगा और उसे इस ईएमपी नेम के अंदर डाल देगा ठीक है इस ईएमपी नेम के अंदर और ये ईएमपी नेम क्या है हमारे ही प्रोसीजर का एक वेरिएबल है ठीक है एंड फ्रॉम हमने देखा टेबल का नाम पास करें एम्प्लॉयज मे बी एम्प्लॉयज हो या फिर एम्प्लॉयज देख लेते हैं इसके अंदर कुछ और होगा शायद टेबल का नेम अलग है हाँ स्विफ्ट होम कंट्रोल एंटर ओके इस नाम का टेबल शायद नहीं है हाँ तो एम्प्लॉय कर देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज की जगह हाँ ठीक है अब प्रॉपर है ओके फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंडीशन पता ही आपको शायद पता हो अगर आप एसक्यूएल पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल नहीं पता मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा है क्लास का कंपनी का बोल दो जिसमें जिसका आईडी 31 होगा सिर्फ उसका ही नेम दिखाना है मुझे इस प्रोग्राम के अंदर ठीक है हाँ तो वेयर का मतलब यहाँ पे कंडीशन जैसे इफ होता था ना इफ नेम इक्वल टू समथिंग तो हम यहाँ पे पास करें वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 31 है उसका ही नेम दिखाओ खाली ठीक है और वो मैं प्रिंट कर दे यहाँ पे डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी डाल दो इसका कुछ मतलब नहीं मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय नेम ठीक है एंड देन और का सिंबल यानी कॉन्कैटिनेशन का सिंबल देन उस वेरिएबल का नेम जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया है इस प्रोसीजर के अंदर जो कि यहाँ पे है ये देखो ईएमपी अंडरस्कोर नेम अब ये पीएसक्यूएल का वेरिएबल है ये कॉलम जो है एसक्यूएल का एसक्यूएल कॉलम का नेम है एंड उसके अंदर का वैल्यू जो भी रहेगा 31 आईडी का वो इसके अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा सिंपली राइट आई होप क्लियर है तो चलो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कंट्रोल एंटर ओके डन लेट्स चेक इट एरर चेक कंपाइलर क्या है हमारा प्रोसीजर एमपी टू कंपाइल बट देयर इज समथिंग रॉन्ग लेट्स चेक द कंपाइलर लॉग अगर आपको कोई एरर आता है बाय मिस्टेक हो सकता है किसी रीजन वाइज तो उसको आपको क्या करना रहेगा इधर लॉग के अंदर दिखाता है कि उस एरर का नाम क्या है किस वजह से आया यहाँ पे दिया डिपार्टमेंट आईडी इनवैलिड हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी नहीं है राइट और फिर भी हम उसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं क्या है आईडी है डिपार्टमेंट आईडी है मुझे नहीं पता देख लेते हैं एक बार फिर से कंट्रोल एंटर करते हैं ये रहा हमारा टेबल एम्प्लॉयज है एक्चुअली ये एम्प्लॉयज ओके स्विफ्ट होम कंट्रोल एंटर और ये रहा हमारा आउटपुट और इसमें है ईएमपी अंडरस्कोर आईडी है ये रहा ईएमपी अंडरस्कोर आईडी तो हमें पास करना होगा ईएमपी आईडी या फिर डिपार्टमेंट के बेस पे करना है तो यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का है तो मैं कैरेक्टर टाइप का वैल्यू नहीं ले रहा हूँ आईडी के बेस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जिस एम्प्लॉय का आईडी 77 होगा उसका वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो हम सिंपल यहाँ पे पास कर देते हैं ईएमपी अंडरस्कोर आईडी ठीक है दैट्स ऑल लेट्स चेक इट अगेन एंड इवन एम्प्लॉय ईएमपी नेम है तो यहाँ पे ये भी एरर आएगा तो हम सिर्फ लिखते हैं यहाँ पे ईएमपी नेम ठीक है ईएमपी नेम हाँ ये बेटर है चलो अब चेक करते हैं इसे एंड नाउ कंट्रोल एंटर लेट्स चेक द आउटपुट अगेन कुछ एरर नहीं रहेगा तो हाँ प्रोसीजर कंपाइल्ड बिना ये पहले का एरर से जो दिखा रहा है आपको एंड जो अब आया हमारा वो ये है कंपाइल्ड प्रॉपरली ठीक है अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होता ये सिर्फ कंपाइल हो गया है अब इसे कंपाइलेशन यानी एक तरह से बोल सकते हो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है अब एग्जीक्यूट करेगा मशीन हमारा जो पीएलएसक्यूएल इंजन है उसे एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आपको वापस बिगिन ब्लॉक लेना होगा बिगिन ले सकते हो या फिर एग्जीक्यूट प्रोग भी कर सकते हो बिगिन एंड सेमीकोलन एंड यहाँ पे हमारे प्रोसीजर का नाम क्या था श्योर लेट मी चेक इट दैट इज ईएमपी 22 तो मैं इसे पास कर देता हूँ यहाँ पे जो कि बिगिन ब्लॉक बनाया यहाँ पे कंट्रोल वी ठीक है एंड जस्ट से सेमी कॉलन एंड इसे रन करते हैं अब स्विफ्ट होम कंट्रोल एंटर एंड यहाँ पे देख लेते हैं कॉल करके देयर इज समथिंग रॉन्ग लेट्स चेक इट अगेन 77 पास करा था हमने क्या पास किया 30 और हाँ यहाँ पे गलत डाला है तो यहाँ पे वो पहली चीज तो नंबर टाइप का था तो नंबर टाइप का पास करना है आपको हाँ तो चलो इसे देख लेते हैं अभी वापस और इसको इधर डालना है हाँ अब लेट्स चेक इट अगेन कंट्रोल एंटर ओके प्रोसीजर कंपाइल्ड अगेन लेट्स चेक इट अगेन इज देयर एनीथिंग रॉन्ग कनेक्शन नेम है वो
एंड EMPID स्कोर नेम EMPID इक्वल टू 27 और EMPID जो हमारा नंबर टाइप का था ना तो हमारा वैल्यू प्रॉपर है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं और देख लेते हैं। सो ये रहा हमारा बिगिन ब्लॉक, सब कुछ प्रॉपर रहा था, हमें आउटपुट आ जाएगा, अदरवाइज एरर आएगा, लेकिन हमारा सब कुछ प्रॉपर था इस बार। ओहो ये रहा, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, ठीक है, शिफ्ट होम, दैट इज आवर आउटपुट, ठीक है। सो मंजार करके एक नाम था जिसका आईडी था 77, उसका डेटा उठाया हम लोगों ने, पीएल स्कूल ब्लॉक में एग्जीक्यूट किया, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर, राइट। तो इसके अंदर हो सकता है प्रोसीजर हमारा पैरामीटराइज्ड हो या फिर नॉन पैरामीटराइज्ड हो। अभी हमने ये जो जैसे हमारा फंक्शन होता है, जैसे मैंने बोला नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन जो था उसके अंदर हमें कुछ वैल्यू पास कर सकते थे, लेकिन नहीं होता उसके अंदर पैरामीटर नहीं होते, लेकिन वहां पे हमें ब्रैकेट्स पास करने पड़ते पैरेंथेसिस, यहाँ पे हमने कुछ नहीं पास किया क्योंकि इसके अंदर पैरामीटराइज फंक्शन नहीं है, ये पैरामीटराइज ब्लॉक नहीं है, तो हमें नहीं पास करना है। लेकिन जब ये पैरामीटराइज होगा, पैरामीटराइज इन द सेंस यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से पैरेंथेसिस और यहाँ पे कोई डेटा टाइप हो सकता है, सपोज मैंने ले लिया आईडी जो मैंने अभी पास किया है, कहाँ से, यहाँ से अलग से पास किया है वैल्यू, वही चीज मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ आईडी, लाइक मैंने ले लिया इंट एंड हाँ आईडी इंट, अब इंट टाइप का वैल्यू मुझे मिलेगा किसके थ्रू, उस प्रोसीजर कॉलिंग के थ्रू जो मैंने यहाँ पे पास किया है, उसकी जगह मैं पास कर दूंगा 77 की जगह आईडी। अब ये आईडी वैल्यू कहाँ से आएगा, जो ऊपर से आ रहा है यहाँ से, ठीक है। सो लेट्स चेक इट अगेन, एंड इस बार मुझे जब कॉल कर रहे हैं दैट टाइम मुझे ये पैरेंथेसिस भी देना होगा और एक वैल्यू भी देनी होगी आईडी का, तो जो 77 वहां से पास कर रहे थे हम यहां से ही पास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसे, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं। लेट्स कंपाइल एंड रन इट, लेट्स फर्स्ट कंपाइलेशन, कोई एरर नहीं है, कंपाइल प्रॉपरली, नाउ लेट्स रन इट अगेन। रन करने के लिए हमें ये बिगिन ब्लॉक रन करना है एंड इसके अंदर सेम चीज मुझे आंसर आना चाहिए जो पहले आया था, तो कंट्रोल एंटर, यार ये रहा हमारा आउटपुट, ये रहा एम्प्लॉय नेम इन मंजार। तो ये चीज कैसे हो रही है, हम अब पास कर रहे हैं वैल्यू पैरामीटर के थ्रू, तो हो सकता है पैरामीटराइज हो या फिर नॉन पैरामीटराइज हो, डिपेंड करता है। इसमें और एक चीज होता है इन आउट एंड इन आउट, मतलब इन कॉमा आउट कॉमा इन आउट, ये चीज क्या होती है मैं आगे समझाऊंगा अभी नहीं। अगर मैं यहीं पे ये जो प्रोग्राम लिखा मैंने, अगर यहाँ पे मैं पास करता हूँ लाइक एड्रेस ऑफ का सिंबल यहाँ पे, अब इसे रन करते हैं वापस और ये 77 निकाल देते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐसे नॉर्मल वेरिएबल डाल, टेम्पररी वेरिएबल बोला जाता है, बताता हूँ क्या हो रहा है, शिफ्ट कंट्रोल एंटर। अब देखो मुझे पॉपअप बॉक्स वैल्यू आ गए यूजर से इनपुट लेने के लिए, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपसे इनपुट मांगेगा वो, मेरे पास पता नहीं कौन कौन से वैल्यू थे, मैं 85 डाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसका वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, 85 नहीं है शायद, तो हाँ तो 77 डाल सकते हैं हम लोग, और भी थे ना हमारे पास, क्या एक सेकंड, क्या क्या आईडी है एक बार देख लेते हैं, तो कुछ चेंज करके डालते हैं हम लोग, 87 है, 83, 85 भी था ना, 85 पे भी मंजार ही है, एक्चुअली सब पे मंजार ही है, तो मुझे आउटपुट आया है 87। हाँ तो एक काम करते हैं, इस बार हम डालेंगे कुछ और वैल्यू जो कि होगा, हाँ इस बार हम डालेंगे कंट्रोल एंटर और इस बार डाल देते हैं कौन सा था, 87, राइट। So just say okay and here is our output, that is Sufyan, got Sufyan। So इस तरह से अब हम क्या बन, रन टाइम में आईडी पास कर रहे हैं, उसकी बेस को डेटा सेलेक्ट कर दे रहे हैं, कितना सिंपल है, बस मैं अब इसको जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एम्परजन का सिंबल है ये यूजर से इनपुट लेने के लिए काम आ रहा है, सिर्फ आपको ये जो ए वेरिएबल टेम्पररी वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते थे, सिर्फ दो मिनट के, मतलब जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक उस डेटा को रखने के लिए काम आ रहा है, बस ये गया टू डेटा का था, ठीक है, वो सेव होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आप हो सकता है कि पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज आपको प्रोसीजर बनाना पड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर। ये जो प्रोसीजर हमने लिखा है ना ये परमानेंटली हमारा सेव हो चुका है डेटाबेस में, ठीक है। अब ये प्रोसीजर मैं जब चाहूं तब एग्जीक्यूट कर सकता हूं, मतलब ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कंपाइल हो चुका है ना ब्लॉक, एक बार कंपाइलेशन होता है ना वो चीज जाके हमारे डेटाबेस में सेव हो चुकी है। अगर मैं उसे निकाल भी दिया और अब इसे रन करता हूं, देखो कंट्रोल एंटर किया
तो भी रन हो रहा है ना मेरा, मैं 37 डाला तो हमारा रन हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। मतलब ये है कि वो उस टेक्स्ट से मतलब नहीं, उसका एक्चुअल कंपाइल्ड कोड जो है हमारे डेटाबेस में जाके सेव हो चुका है। अब मैं जब चाहूँ तब उसे कॉल कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, परमानेंट हो चुका है। दैट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर, मैंने स्टोर करके रख दिया है उस प्रोसीजर को। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सो दैट्स इट फॉर प्रोसीजर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन, फिर हम बात करेंगे इन आउट एंड लाइक और भी बहुत सारी चीजें उसके बारे में। ठीक है, दैट्स ऑल।